पिछले क्लास में हमने क्या करा था, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स देखा था हमने और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस करा था हमने, और हमने किस तरह से क्वेश्चंस करे थे हमने वो आपको एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस किए थे हमने, हमने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करा हुआ था। सपोज i^34 है, हमने इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चंस हमने करा हुआ था, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने क्या करा था, पॉजिटिव इंटीग्रल और नेगेटिव इंटीग्रल क्वेश्चंस लिए होते। हमने क्या करा था, उसको फोर से डिवाइड करा था, फोर से डिवाइड करते हम लोग, फोर से डिवाइड करते। रूल्स हमारे पास सिंपल से दो रूल्स थे। सबसे पहले क्या करना था, अपने लास्ट के दो डिजिट को फोर से डिवाइड करना है, ठीक है। क्यों फोर से डिवाइड करना है पता होना चाहिए, क्योंकि i^4 क्या होता है आपका, वन होता है, ठीक है। फिर हमने आपको रिमाइंडर पर ध्यान देना है, रिमाइंडर 0 तो 1, 1 तो i, 2 तो -1, 3 तो -1, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कुछ वैल्यूज याद रखने हैं सॉल्व करते टाइम। i की वैल्यू ये होती है i^2 - 1, i³ - i, i^4 1 होता है। 1 अपन i की वैल्यू ये 1, 1 अपन i की वैल्यू -i, -1 अपन i की वैल्यू होती है i, 1 प्लस i अपन 1 माइनस i की वैल्यू होती है i, और 1 - i + 1 + i की वैल्यू होती है -i। सिमिलरली और कुछ फॉर्मूलेज हमने ध्यान में रखने हैं, दैट इज 1 + i का होल स्क्वायर होता है 2i, और 1 - i का होल स्क्वायर होता है दैट इज -2i। तो हमने क्या करा था, पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक्स इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करे थे हमने, पॉजिटिव इंटीग्रल के और नेगेटिव इंटीग्रल के हमने क्या करे थे, क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। हमने क्या, हमने रूल सीखा हुआ था कि लास्ट के दो डिजिट को अपने डिवाइड करना फोर से, ठीक है, फोर से डिवाइड करना है। तो फोर से आप डिवाइड करोगे इसको तो रिमाइंडर बचेगा 3, और आपको पता है कि रिमाइंडर अगर 3 बचता है तो आंसर आता है -i, ठीक है। यानी इसको, इसका रिजल्ट जो आ गया वो आ गया -i। इसको हमने पता है क्या करना है, फोर से डिवाइड करना है। फोर से डिवाइड करोगे आप लास्ट के दो डिजिट को, ठीक है, लास्ट के दो डिजिट को अपने किसे डिवाइड करना है, फोर से डिवाइड करना है। यानी 4 2 8, यानी 4 4 16, यानी रिमाइंडर आपका आ गया 1। और हमको पता है कि रिमाइंडर अगर 1 आता है तो रिजल्ट कितना आता है हमारा, आई, यानी इसका रिजल्ट आ गया आई। तो हमने इस तरह से क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में कर लिए हैं। अच्छा, नेगेटिव वाला कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमने सीखा था कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, 1/47 लिखना है, ठीक है। अब 1/1 क्या लिखना आपको, 47। क्यों, क्योंकि सिंपल से एक्सपोनेंट का रूल होता है, a^-m को हम लोग लिख सकते हैं 1/a^m, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने ये जो लास्ट के दो डिजिट है उसको डिवाइड करना 4 से, तो हम लोग जानते हैं 4 से डिवाइड करेंगे 47 को तो रिमाइंडर 3 आएगा, और रिमाइंडर अगर 3 आता है तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, -i। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर -i। अच्छा, हम लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि -1/i, ठीक है, ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि दैट इज -1/i, -1/i की वैल्यू कितनी होती है हमारी, i होती है। तो इसके जगह पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं हम लोग i, ठीक है। तो ये हमने इस तरह के क्या करते थे, क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में करे हुए थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसका, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है i से रिगार्डिंग, ठीक है, और कुछ क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ और हमने क्लियर करने होंगे सबसे पहले आगे बढ़ने से, एक दो चीज़ और। सपोज हमने क्या कहा, हम लोग क्या सोचते हैं कि सपोज हमारे पास √a है और √b को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीके? तो हम लोग क्या आता है हमारे पास, √ab। तो ये जो कंडीशन हमारा है, ये कंडीशन कब वैलिड होता है, जब हमारे ए और जो बी हमारे दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, दो, जब दोनों हमारे क्या होते हैं, ए और बी दोनों हमारे जब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं √ab। लेकिन अगर यही फॉर्मेट हमको इस प्रकार से मिल जाए, यानी √-a मिल जाए, √-b मिल जाता है, ठीक है, तो इसको हमने, इसको हम लोग ये नहीं कर सकते कि ये हमारा, इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि √ab, ये हमारा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये नहीं कर सकते कि -, -+, ये हम लोग कॉन्सेप्ट ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सीख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं √a/i। क्यों लिख सकते हैं पता है, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं √b/i, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो i और i क्या होता है, i² i और i क्या होता है, i² i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है, ये -1 हो गया। और √a और √b यानी आ गया -ab, -√ क्या चीज़, ab। तो हम लोग कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग जो है ये डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कि आप इसके जगह पे -, -+ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इससे रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 5i। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 6i, ठीक है। ये 5 6 30, यानी 30i² हो गया, ठीक है। 30i² यानी कितना, -30 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2i, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कितना, 3i आ गया, ठीक है। 2 3 6 यानी 6i² आ गया, यानी -6 आ गया।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 4i, इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारे पास 5i, ठीक है, यानी आ गया हमारे पास 20i स्क्वायर, ठीक है, 20i स्क्वायर यानी -20। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, ठीक है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए हमको क्या ध्यान में रखना है, हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और अलग तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाएगा, ठीक है। आई के रिगार्डिंग, आई के रिस्पेक्ट, मतलब आई के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। करना क्या, आपने जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपने बस ध्यान में रखना है, ठीक है। बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपने ध्यान में रखना, लाइक आई की वैल्यूज़ क्या होती है, ये सब जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इफ 1 + i / 1 - i (m = 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि m की जो वैल्यू है, हैन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ m, यानी आपको यहाँ पे m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो m की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते, तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि 1 + i / 1 - i, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से 1 + i / 1 - i, ठीक है, 1 + i / 1 - i, इसकी वैल्यू कितनी होती है, i, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं i^m = 1, ठीक है। हमको सोचना है कि यहाँ पे m की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि सॉल्व करने पर 1 आ जाए। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि i^4 जो होता है, i^4 जो होता है क्या होता है, 1 होता है, यानी i^4 कितना होता है हमारा, 1 होता है, हम लोग ये जानते हैं। यानी अगर हम लोग यहाँ पे इफ़ m = हम लोग यहाँ पे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, सिंपली 4 होगी, ठीक है। m की वैल्यू कितनी होगी, 4, क्यों, क्योंकि i^4 कितना होता है अपने, 1 होता है, ठीक है, i^4 कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या याद रखना पड़ेगा, हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा हमको, दैट इज 1 + i / 1 - i, इसकी वैल्यू कितनी होती है, i होती है, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग को कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान में रखना है कि 1 - i / 1 + i, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -i, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो पाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं थोड़ा, ठीक है, इस क्वेश्चन पे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 + i / 1 - i^4 है, ठीक है, 2^4 कितना है, 4 है। तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, आई होती है, यानी पावर 4 है, 4 हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए 1 - i / 1 + i, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -i, यानी यहाँ पे हो गया हमारे पास -i^6। हम लोग जानते हैं कि i^4 कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है, ठीक है, तो निगेटिव का पावर इवन है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि निगेटिव का पावर इवन अगर होगा तो हमेशा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। निगेटिव का पावर अगर आप इवन करोगे, अगर निगेटिव का पावर अगर आप क्या करते हो, ऑड करते हो, तो हमेशा निगेटिव आएगा। ये हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि निगेटिव का पावर अगर आप इवन करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव का पावर ऑड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, वो ऑड निगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस हमको क्या मिलेगा, i^6 मिलेगा। अच्छा, अब हमको समझना है कि i^6 की वैल्यू कितनी होती है, तो हमने क्या करना, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, 4 से डिवाइड करना, और हमको रिमाइंडर पर ध्यान देना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो रिमाइंडर हमको 2 मिलेगा, और हम लोग जानते हैं कि अगर रिमाइंडर हमारे पास 2 है तो रिजल्ट कितना आता है, -1, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 0, ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सिंपली 0, ठीक है। अच्छा, एक हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि 1 + i, ठीक है, 1 + i / 1 - i / 200, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो आपको ये पता है कि 1 + i / 1 - i, इसकी वैल्यू कितनी होती है, i, इसकी वैल्यू होती है i, यानी i^200, i^200 कितना, 200। अच्छा, 200 यानी हम लोग कैसे इसके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, अगर तो यानी रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आंसर क्या आता है, 1, यानी इसका सिंपल से आंसर क्या आ गया हमारा, 1, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चन हम लोग इजीली कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स अच्छे से आने चाहिए, आपने जो बेसिक रूल्स हम लोग कर रहे हैं वो रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमने और यहाँ पे लेके रखा हुआ है, ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पे पहले मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि i^96, 97, 98, 99 कंसेक्यूटिव है। अगर आप देखो ध्यान से उस क्वेश्चन पे, ये जो क्वेश्चन हमारा है वो कंसेक्यूटिव है, तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पे हम लोग देखा जाए तो ये कंसेक्यूटिव है, ठीक है। तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर कंसेक्यूटिव ऑर्डर में रहेगा, ठीक है, कंसेक्यूटिव 4 जो इंटीग्रल्स होते हैं उसका जो सम होता है वो 0 होता है, उसका जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, i^96 जो है समय से कॉमन निकालेंगे,
तो यहाँ पे वन बचा, यहाँ पे हमारा आई बच गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास आई स्क्वायर और यहाँ पे आ गया हमारे पास आई क्यूब आ गया, ठीक है। अच्छा आई टू द पावर 96 हमारे पास है, वन प्लस आई एज इट इज हम लोग रहने देंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन। आई क्यू की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आई। तो ये सिंपली हमारे कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास आई टू द पावर 96 इंटू जीरो, यानी हमारा सिंपल कितना आ गया? जीरो। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ध्यान देना है कि अगर कंसेक्यूटिव फोर है, कंसेक्यूटिव फोर इंटीग्रल्स हैं, तो आपने उसकी वैल्यू जो है डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो होगी डायरेक्टली जीरो होगी, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, आई टू द पावर 19 प्लस वन अपॉन आई टू द पावर 25 का होल स्क्वायर, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आई टू द पावर 19 की क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर पर ध्यान देना है। तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो रिमाइंडर 3 आता है, तो रिजल्ट कितना आ गया? माइनस आई, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस आई। चलिए अच्छा अब यहाँ पे देखना है वन अपॉन आई, तो वन अपॉन आई की वैल्यू कितनी होती है? माइनस ट्वेंट आई सॉरी वन अपॉन आई की वैल्यू होती है माइनस आई, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? माइनस आई, यानी माइनस आई टू द पावर 25, ठीक है। अच्छा ये तो हमारे पास माइनस आई है। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, निगेटिव है, निगेटिव का पावर ऑड है। तो अभी अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर निगेटिव का पावर ऑड है तो आपको निगेटिव ही मिलेगा, निगेटिव का पावर अगर ऑड है तो आपको निगेटिव ही मिलेगा, अगर निगेटिव का पावर अगर जो है अगर आपका इवन है तो आपको जो है पॉजिटिव मिलेगा, ये हम लोग जानते हैं। तो ऑब्वियसली कि हमको यहाँ पर निगेटिव मिलेगा, ठीक है, निगेटिव मिला हमको। अब हमारे पास क्या बचा? आई टू द पावर 25 पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो हो गया हमारे पास माइनस आई, ठीक है। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आई टू द पावर 25, आई टू द पावर 25 क्या करना, हमने 4 से डिवाइड करना 25 को, तो 4 से डिवाइड करेंगे तुमको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। और रिमाइंडर अगर 1 आता है तो रिजल्ट कितना आता है? आई, यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास आई, ठीक है। यहाँ पास हमारे पास कितना आ गया? आई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर है। अच्छा माइनस आई और माइनस आई कितना हो गया? दैट इज माइनस टू आई हो गया, माइनस टू आई। अच्छा माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया क्योंकि निगेटिव का स्क्वायर प्लस हो जाता है, बचा टू, टू का स्क्वायर हो गया फोर, फिर बचा आई, यानी आई फोर आई स्क्वायर बचा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो रिजल्ट आ गया हमारा माइनस फोर, ठीक है। जो सिंपल सा हमारा रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया हमारा? वो माइनस फोर आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखिए इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, वन बाई आई की जगह पे लिया है माइनस आई, उसकी वैल्यू होती है वन बाई आई की वैल्यू होती है माइनस आई, और माइनस आई का यहाँ पे है तो निगेटिव का पावर इफ ऑड है, तो निगेटिव का पावर तो ऑड हो गया यहाँ पे हमारे पास, बचा क्या? आई टू द पावर 25 को हमने क्या करा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, आई टू द पावर 25 था, इसको हमने डिवाइड करा 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 तो आता है, तो रिमाइंडर 1 आता है तो रिजल्ट आता है आई, यहाँ पे आ गया आई, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जो लास्ट हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किया हमारे पास आई स्क्वायर प्लस आई फोर, ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वन प्लस आई स्क्वायर और आई क्यू था ये, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन अवेलेबल हमारे पास है, इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भैया, ये तो आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, आई फोर है तो आई फोर की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज वन। आई सिक्स है, आई सिक्स क्या करना, फोर से डिवाइड करना, आपने फोर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर टू बचेगा, और रिमाइंडर टू बचेगा तो हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास रिमाइंडर टू है तो रिजल्ट आएगा माइनस वन, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस वन। आई टू द पावर सेवन है, फोर से डिवाइड करना, रिमाइंडर तीन आएगा, रिमाइंडर तीन आता है तो रिजल्ट आता है माइनस आई, ठीक है। नीचे वाले हम लोग एज इट इज रख देंगे, वन हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन। आई क्यू की वैल्यू कितनी होती है? माइनस आई। ये हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास? ठीक है, हमारे पास क्या बचा? माइनस वन और प्लस माइनस आई बचा। नीचे में हमारे पास क्या बचा? केवल माइनस आई बचा, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? वन प्लस आई। नीचे में हमारे पास क्या आ गया? सिंपली आई आ गया, माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिया, इसको हम लोग रेसलाइज करेंगे, यानी आई से ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। अच्छा हम उसके बाद हमको क्या मिलेगा? ये आई में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ गया, आई में आई से करेंगे तो आई स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे में आई इंटू आई तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हो गया हमारे पास आई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अच्छा आई तो आई हो गया हमारा, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज़ माइनस वन होता है। अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली जो है ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, दैट इज़ वन माइनस आई, यानी इसका जो रिजल्ट आया हमारा वो कितना आ गया? वन माइनस आई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे।